प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का करेंगे शुभारंभ। विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है इस पहल का उद्देश्य। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की आज शाम भोपाल में होगी अहम बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में राज्य के नए मुख्यमंत्री की हो सकती है घोषणा। वहीं राजस्थान में कल होगी भाजपा विधायक दल की अहम बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज सुनाएगी अहम फैसला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने का किया आह्वान। खेल जगत से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज राजधानी नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। 17 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में देश भर से 1400 से ज्यादा खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। और महिला T20 क्रिकेट में भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीसरे और आखिरी T20 मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड की महिला टीम शुरुआती 2 मैच जीतकर पहले ही श्रृंखला कर चुकी है अपने नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं, और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी देश के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी आज संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही विकसित भारत का उद्देश्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री देशभर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवाओं के साथ संवाद भी होगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने मीडिया को बताया कि इस कार्यक्रम में देशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संस्थानों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। The Prime Minister is going to kick off a campaign to seek ideas from the youth for the vision of Viksit Bharat. It's very 3 simple questions. How do you see India as Viksit Bharat in 2047? 2. What should be done to reach that Viksit Bharat in 2047? And 3, what can you do to make India Viksit by 2047? प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि देश के युवाओं को सक्रियता से इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। विकसित भारत 2047 के मिशन में युवाओं की भागीदारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों, प्राथमिकताओं और लक्ष्य निर्धारण में की जाए। यह मिशन युवाओं को अपने नए नए आइडिया रखने का मंच भी प्रदान करेगा, क्योंकि उनके योगदान से ही इस मिशन को सफल बनाया जा सकेगा। विकसित भारत 2047 मिशन के तहत आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तरक्की, पर्यावरण संरक्षण और संतुलन और गुड गवर्नेंस जैसे लक्ष्यों को हासिल करने पर
चर्चा होगी। राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी, जहां राष्ट्रपति आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति आज शाम लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति 12 दिसंबर को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक पार्टी के विधायी दल के नेता को चयन करने के लिए आज भोपाल में बैठक होगी। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा भी मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीटें जीती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जहां कल विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा गया है। विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि वो पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। अब बात करते हैं संसद की, जहां शीतकालीन सत्र जारी है। दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूची में रखे गए हैं। प्रश्नकाल में अहम सवालों के जवाब दिए जाने हैं, तो वहीं लोकसभा में अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन हमास को आतंकी संगठन घोषित करने से जुड़े एक सवाल पर अपना बयान भी देंगे। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखेंगे। उधर राज्यसभा की बात करें तो इस हफ्ते जम्मू कश्मीर से जुड़े दो अहम बिल पारित कराए जाने हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े ये दोनों बिल पिछले हफ्ते लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले के केंद्र के 2019 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज अपना अहम फैसला सुनाएगी। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 दिनों तक विस्तार से इस मामले पर सुनवाई के बाद इस साल 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं ने 5 अगस्त के राष्ट्रपति के आदेश और बाद में संसद से पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को गैर संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। वहीं केंद्र का कहना था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 में दिए गए प्रावधानों का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश जारी किए थे और ये फैसला पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गुप्त मेमो की खबरें फर्जी और पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और ऐसा कोई मेमो जारी नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने उन रिपोर्टों पर मीडिया के सवालों के जवाब में ये बात कही कि मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए उत्तरी अमेरिका में भारतीय मिशनों को कोई मेमो भेजा है। अरिंदम बागची ने कहा कि ये भारत के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है, ये कोई ज्ञापन नहीं है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा फैलाया गया सिर्फ एक झूठ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी इन फर्जी खबरों को बढ़ा रहे हैं वो केवल अपनी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भारत आज से नई दिल्ली में 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी तथा निवेश संवर्धन एजेंसी विश्व संघ नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत ये सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 13 दिसंबर को डेकेड ऑफ एक्शन में व्यापार तथा निवेश की भूमिका पर मुख्य भाषण देंगे। वाणिज्य मंत्री गोयल एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर EIC का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत वर्चुअल वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, परस्पर संवादात्मक, टच स्क्रीन और प्रक्षेपण मानचित्रण सहित सेवा प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न प्रौद्योगिकियों के जरिए उत्पादों में भारत की श्रेष्ठ पेशकश का प्रदर्शन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन में 1000 से ज्यादा प्रतिभागी, 50 निवेश संवर्धन एजेंसी IPA और विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसियां भागीदारी करेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी की, जहां अगले साल 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, जिसके चलते भगवान श्री राम और हनुमान जी के नाम के झंडों की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। और चलिए अब बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां सिलक्यारा सुरंग में अहम भूमिका निभाने वाले अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क ने कहा कि उन्होंने भारत में शांति, न्याय और मजबूत संगठन पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में सरकार, सेना, वायुसेना और आपातकालीन सेवाएं सभी मिलकर काम करती हैं। उन्होंने अपने को भारत सरकार का बड़ा प्रशंसक बताया। The United Nations says you need peace, justice, and strong institutions. And what I found in India was peace, justice, and strong institutions. And I found the federal government, the Uttarakhand government, the army, the air force, the emergency service, everyone working together, and even me. So the fact that all of us became part of a family and all of us were bringing these children home is not something that I've seen ever, ever, like my English lips here, ever in any other country. So it took that miracle to create the miracle that I'm here celebrating today. So I'm unreservedly a big fan of Government of India, because however they've done it, और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में किन्नर समाज केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ मिलने से संतुष्ट नजर आ रहा है। आज चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीब कल्याण जन कल्याणकारी योजना, लाभ मिलने से काफी संतुष्ट सभी लोग नजर आए। इसके अलावा आजमगढ़ में भी किन्नरों ने प्रधानमंत्री के प्रयास को अपने लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि अब हम लोगों को और भी योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड योजना एवं आवास आदि का भी लाभ मिलेगा। योगी मोदी के राज में सेहत भी आराम है, राशन पानी पाते हैं उसका भी आराम है, हर चीज़ का आराम है, कोई तकलीफ नहीं है। राशन लाने जाते थे अपने पैसे के, वो ख़त्म हो गया है हमको भैया, आराम बहुत है, सुकून में है। मुझे गैस सिलेंडर का भी लाभ मिला और राशन कार्ड भी, और जैसे मकान की कॉलोनी वगैरह। किसी भी सरकार में इतना मुझे लाभ नहीं मिला जो योगी मोदी की सरकार में लाभ मिल रहा है। मेरा सरकार जी ठीक है, मेरे योगी मोदी जी ठीक है, हम लोग को लाभ दे रहे हैं, जीने के हक भी दे रहे हैं। हम यही चाहेंगे मेरे सरकार का हरदाई बने रहे। मुझे मोदी की तरफ से राशन कार्ड तो मिल रही है मुझे। और वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों से इसराइली सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया और उनसे गजा में आतंकवादी समूह के प्रमुख सिनवार के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं देने का भी आग्रह किया है। इसराइल के रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी के बयान के बाद नेतन्याहू का यह बयान आया। हर्जी हलेवी ने कहा था कि ऐसे संकेत हैं कि हमास डह रहा है।
साथ ही हलेवी ने पिछले सप्ताह दर्जनों लोगों की कई तस्वीरें और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों में कई हमास के कार्यकर्ता शामिल हैं। गजा के अंदर इजरायली सैनिकों ने हमास के लोगों को हिरासत में लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मंगलवार को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। बैठक के दौरान दोनों नेता यूक्रेन की ऊर्जा जरूरतों और यूक्रेन को अमेरिका के निरंतर समर्थन के महत्व पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे के बयान के अनुसार बाइडेन ने यूक्रेन के लोगों का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटल प्रतिबद्धता को जाहिर करने के लिए जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। और वहीं मिस्र में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। कल से शुरू हुए मतदान में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अलसीसी के सामने कोई भी कद्दावर प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नहीं होने से उनकी जीत अब लगभग तय मानी जा रही है। 3 दिन मतदान के बाद चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण के अनुसार यदि कोई भी उम्मीदवार 50% से अधिक वोट हासिल नहीं कर पाता है तो 8 से 10 जनवरी तक फिर से मतदान होंगे। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह अर्जेंटीना की राष्ट्रीय कांग्रेस की इमारत में आयोजित किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद जेवियर माइली ने अपने पहले भाषण में कहा कि देश कई दशकों के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मुद्रास्फीति 200% की ओर बढ़ रही है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए उनके पास कड़े कदम उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। 53 वर्षीय माइली एक पूर्व टीवी विशेषज्ञ अर्थशास्त्री और लेखक हैं। माइली को 19 नवंबर को हुए मतदान में अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया था। इटली में 2 ट्रेनों के बीच हुई टक्कर में लगभग 17 लोग घायल हो गए। बोलोग्रा रिमिनी रेलवे लाइन पर फेंजा और फोर्ली के बीच 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद कैस्टेल बोग्रीज और फोर्ली के बीच रेल सेवा को रोक दिया गया। टक्कर के बाद शुरू हुआ खोज और बचाव अभियान फिलहाल अब खत्म हो चुका है। घायलों को मामूली चोटें आई हैं और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। ब्राजील के उत्तरी राज्य पारा में भूमिहीन श्रमिक आंदोलन MST से संबंधित एक शिविर में शनिवार रात अचानक आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। MST के अनुसार ये घटना पारोपेबास शहर में स्थित ग्रामीण किसानों के शिविर में इंटरनेट वायरिंग के दौरान विद्युत नेटवर्क में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। हादसे को लेकर कम्युनिटी के नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शॉर्ट सर्किट स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 8 बजे हुआ जब एक एंटीना हाई वोल्टेज नेटवर्क को छू गया जिससे बिजली के तारों और शिविर में कुछ झोंपड़ियों में अचानक आग लग गई। 9 मृतकों में से 6 कैंप में ही संबंधित थे और 3 इंटरनेट कंपनी के कर्मचारी थे। 8 घायलों में से 7 को अस्पताल से फिलहाल छुट्टी दे दी गई है और 1 अभी भी ज्यादा जलने के कारण अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। MST के अनुसार फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। और चलिए अब बात करते हैं खेलों की, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 127 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि इस जीत के बावजूद पहले 2 मैच गंवा चुकी टीम इंडिया सीरीज 1-2 से हार गई। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्ज ने दूसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। जेमिमा ने 29 रन बनाए। इससे पहले गेंदबाजी में साइका इशाक और श्रेयंका पाटिल ने 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड को 126 रनों पर रोक दिया। श्रेयंका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं डरबन में लगातार बारिश के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 मैच को रद्द घोषित कर दिया गया। लगातार बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत दिल्ली के IGE स्टेडियम में बैडमिंटन स्पर्धाओं की रोमांचक शुरुआत के साथ हुई। खेलो इंडिया श्रृंखला में पैरा गेम्स को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो पैरा एथलीटों को एक बड़ा समर्पित मंच प्रदान करता है। देखिए दिल्ली के IGE स्टेडियम से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट।
सुविधाओं के साथ खेलों की शुरुआत हुई। भारत में पैरा बैडमिंटन में हाल के दिनों में असाधारण वृद्धि देखी गई। मुख्य कोच गौरव खन्ना के मार्गदर्शन में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने चीन के हांगजू में हाल ही में संपन्न पैरा एशियाई खेलों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। भारत की पैरा बैडमिंटन टीम ने 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 21 पदक अपने नाम किए। कोच गौरव खन्ना ने भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खिलाड़ियों ने जो अब तक का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है, जिसमें 2015 से लेकर अब तक कुल 800 मेडल जीतने की पदक तालिका को खिलाड़ी पार कर चुके हैं पैरा बैडमिंटन एथलीट्स, जिनमें कि 200 से अधिक गोल्ड मेडल शामिल है। उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए अब हमारे भारतवर्ष में ही खिलाड़ियों को नेशनल चैम्पियनशिप के अलावा एक खेलो इंडिया पैरा गेम्स को भी गवर्नमेंट के सहयोग से दिया गया है। पैरा बैडमिंटन की सफलता की कहानी व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ सरकारी योजनाओं द्वारा दिए गए समर्थन का भी परिणाम है। पैरा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम पैरा खेल समुदाय के भीतर प्रतिभा को निखारने में सहायक साबित हो रही हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फर्स्ट गेम है, मेरा फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लगा खेल कर। जो भी एक्सपीरियंस होगा आगे उससे सीखेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पैरा बैडमिंटन खेलो इंडिया का हो रहा है, ये तो बहुत ही बड़ा इवेंट है। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया गया और कैसे ये मोदी सरकार ने सोचा कि पैरा बैडमिंटन के लिए इतना अच्छा एक गेम करवाना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुरू होने से युवा खिलाड़ियों के अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लेखनीय उपलब्धियों की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक पावर हाउस के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की आज से शुरुआत हो चुकी है और बैडमिंटन के मुकाबले लगातार जारी हैं, जहां खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन युवा खिलाड़ियों को नया मंच दे रहे हैं और ये पैरा एथलीट सरकार की इस पहल से बेहद खुश भी हैं। पैरा बैडमिंटन टीम के कोच गौरव खन्ना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। आप सुनिए ये बातचीत और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और ये सबसे बड़ी मिसाल बनकर के सामने आया है पैरा एथलीट्स के लिए और किस तरह से रहेगा पूरा इवेंट, इस पर बात करेंगे। बैडमिंटन के मुकाबले चल रहे हैं और बैडमिंटन के चीफ कोच हमारे साथ गौरव खन्ना जी मौजूद हैं। गौरव जी, कैसे देखते हैं इस इनॉग्रल एडिशन को? देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत मुश्किल होती है किसी भी चीज़ की और उसके बाद तो वो दिशा और रफ्तार पकड़ ही लेती है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम बनाई है और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, और सामान्य खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि पैरा खिलाड़ियों के लिए भी जो इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और आज आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम खेलो इंडिया के बहुत सारे सेगमेंट, जिसमें कि खेलो इंडिया के हर तरीके के खेल हुए, उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम्स हुए और उसके बाद अब पैरा खेल हो रहे हैं, तो इसमें भारतवर्ष के कोने कोने से आके खिलाड़ी यहाँ पे अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो स्कीम से बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा और एक अलग सी इमेज गई है जनता के बीच में और खिलाड़ियों के बीच में, और खिलाड़ियों को ऐसा लगा है कि हमारे साथ भी बहुत सारी अवसर उपलब्ध है हमारे पास भारतवर्ष में, और हम अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन करके सामान्य खिलाड़ियों की तरह अपना कैरियर बना सकते हैं, अच्छी नौकरी ले सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का रोशन नाम भी रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने बहुत सारे पैरा बैडमिंटन देखे जिन्होंने इंडिया के लिए खेल करके धमाल मचा, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, चाहे प्रमोद भगत हो, तो ये वो चेहरे थे जिन्होंने रिकॉग्निशन दिलाया। अब ये जो खिलाड़ी हैं इनके लिए कितना बड़ा मील का पत्थर ये पैरा गेम्स शुरू होने वाले, क्योंकि खेलो इंडिया में नॉर्मल प्लेयर जो खेल रहे थे वो अलग पोडियम पे जा रहे थे, इनके लिए एक लाइफ यहाँ से नई बिगनिंग शुरू होगी। देखिए, अवसर तो लगातार मिलते रहने ही चाहिए और अवसरों को ज़्यादा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है, नीति है, जिसमें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य ही नए चेहरों की तलाश करना है। प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, सुहास अलवाई, मनोज सरकार, इन्होंने तो अपना एक अच्छा कार्य, अच्छा प्रदर्शन दिखाई दिया और 4 मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में जीत कर देश को एक रास्ता दिखा दिया कि इससे कहाँ तक जा सकते हैं आप। और अब इन नए खिलाड़ियों की बारी है, क्योंकि हमारे को जब खेलों का ध्यान रखना है तो एक छोटे से एम के लिए नहीं रखते हैं हम, एक शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं रखते हैं हम, एक मिड टर्म टारगेट रखते हैं और एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखते हैं। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 2028 और 2032 और 2036 ओलंपिक्स की बात करेंगे, तो हमें नए चेहरों की ज़रूरत है। हमें चाहिए ऐसे आयोजन जहाँ पर नए नए खिलाड़ी इन खेलों को भागीदारी करने का मौका भी मिले और डीडी के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से वो देख के इंस्पायर्ड हों। कितना इंस्पायर कर रहा है ये गेम और इनके लिए यहाँ से एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पैरा खेलो इंडिया से ये कहीं ना कहीं अपनी चमक बिखेरेंगे और सभी के सामने अपने आप को रखने में कामयाब होंगे। कैमरा सैंथिल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली।